नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लखनऊ नोड पे चर्चा करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने कानपुर नोड पे चर्चा की थी। दोस्तों, लखनऊ नोड लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये डिफेंस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण नोड है। दोस्तों, लखनऊ नोड इसका टोटल एरिया 200 हेक्टेयर का होने वाला है और यहाँ पर पहले फेज के अंतर्गत 165 हेक्टेयर लैंड पार्सल एक्वायर किया गया है। दोस्तों, इसके अगर हम लेआउट की चर्चा करें तो उसके लेआउट को 25/7/2022 के अंदर अप्रूवल दिया गया था। ये साइट भटगांव में लोकेटेड है। दोस्तों, भटगांव सरुजी तहसील लखनऊ के अंदर आता है। लैंड यूसेज की बात करें तो टोटल एरिया 165 हेक्टेयर है। रोड्स के डेवलपमेंट के लिए, कुछ ओपन एरिया के लिए, इसके अलावा 13 हेक्टेयर लैंड पार्सल रोड के लिए। कानपुर नोड के मुकाबले लखनऊ नोड के अंदर जो ओपन एरिया है वो ज्यादा है और बहुत सारे हिस्सों में है। वह दोस्तों, अगर हम लेआउट को देखें तो यहाँ पर ग्रीन एरिया ज्यादा है। इसके अलावा ये जो डिफेंस कॉरिडोर है इसके समानांतर लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन है। वहीं दोस्तों, अगर हम गैस पाइपलाइन की बात करें तो जो 30 मीटर की यहाँ पर सड़क है, एक चौड़ी सड़क है के साथ ही एक गैस पाइपलाइन यहाँ से गुजरेगी। दोस्तों, यहाँ पर सड़कें तीन प्रकार की है। जो सबसे बड़ी सड़क है वो 30 मीटर की है, वही 24 मीटर की भी सड़कें हैं, वही 18 मीटर की भी सड़कें हैं। यहाँ पर दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्लॉट के साइज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है और इन 4 कैटेगरीज की बात करें तो जो प्लॉट 1 है वो 80 हेक्टेयर का है और ये जो 80 हेक्टेयर का लैंड पार्सल है ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए रिजर्व किया गया था। और यहाँ पर F1 प्लॉट है। दोस्तों, F1 प्लॉट का जो टोटल लेंथ है ये 20 हेक्टेयर है। इसके अलावा यहाँ पर B1 प्लॉट है जो कि 2 हेक्टेयर का है। इसके अलावा S2 प्लॉट है जो कि 0.5 हेक्टेयर का है। इसके अलावा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे नंबर दिए गए हैं वो डिफरेंट यूज़ के लिए रिजर्व रखे गए हैं। जैसे कि जो 1 नंबर का एरिया है ये इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के लिए रिजर्व किया गया है। नंबर 2 फायर स्टेशन, नंबर 3 पुलिस स्टेशन, नंबर 4 वाटर ओवरहेड टैंक और पंपिंग स्टेशन, नंबर 5 कंट्रोल एंट्री के लिए। तो कंट्रोल एंट्री डिफरेंट एरियाज में है। इसके अलावा 6 नंबर कोल्ड फैसिलिटी और 7 नंबर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के लिए रखा गया है। दोस्तों, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये कानपुर नोड में नहीं था, ये लखनऊ के अंदर है। इसके अलावा 90.3 हेक्टेयर का लैंड पार्सल यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। वही कुछ ऐसे चंक्स हैं जिनको अभी प्लॉट में नहीं डाला गया है, उनको फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, 30 मीटर की सड़कें हैं, 24 मीटर की सड़कें हैं, वही 18 मीटर की भी सड़कें हैं। जो सड़क पाइपलाइन के साथ चल रही है वो 30 मीटर की है, जबकि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस और F1 लैंड पार्सल को डिवाइड करने वाली सड़क है वो 24 मीटर की है। इसके अलावा जो रेलवे लाइन के समानांतर एक सड़क है वो भी 24 मीटर की है। वहीं दोस्तों, जो ओपन एरिया S2 एरिया और बीवर एरिया को कनेक्ट करती है वो सड़क 18 मीटर चौड़ी है। दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ पर सड़कों को डिवाइड किया गया है और जहाँ पर सड़क नहीं है उनको बाउंड्री वॉल से कवर किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कई सारे एंट्री गेट हैं। एक एंट्री गेट ब्रह्मोस एरोस्पेस एरिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। इसके अलावा फोर्स ओपन एरिया के पास एक एंट्री गेट है। वहीं जहाँ पब्लिक और गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वहाँ पर भी एक एंट्री गेट स्टेबलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस नोड में कई सारे एंट्री गेट हैं। वही दोस्तों, अगर हम लखनऊ नोड की सैटेलाइट इमेज को देखें तो सैटेलाइट इमेज से हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार इसका जो लेआउट है वो कितना आकार ले चुका है, वही कितना विकास हुआ है। हालांकि सैटेलाइट इमेज 6-7 महीने या 1 साल पुरानी होती है, लेकिन इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से ये शेप ले रहा है। तो अगर दोस्तों हम सैटेलाइट इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका जो लेआउट है ये लगभग आकार ले चुका है। जितनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं इन सब पर काम शुरू हो चुका है और अधिकतर पे दोस्तों काम संपन्न हो गया है। जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, ओवरहेड वाटर टैंक है, इसके अलावा कई सारी जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, इन सब का जो ज़्यादातर काम है ये यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी इसके संबंध में। दोस्तों, लखनऊ नोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर एरोस्पेस से संबंधित ज्यादातर यूनिट स्टेबलिश होंगी। एयरस्पेस के क्षेत्र में रिसर्च, डिजाइन, प्रोडक्शन इन सब का काम होगा। इसके अलावा मिसाइल और उससे संबंधित जो कंपोनेंट होते हैं इन सब की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एयरस्पेस इंडस्ट्री बहुत ही वृहद है। इसका मिलिट्री पर्पस और सिविल सेक्टर दोनों में महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर दोस्तों मिलिट्री पर्पस से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। लखनऊ के अंदर
8 यूनिट स्टेबलिश हो रही हैं। इसके लिए 110 हेक्टेयर का लैंड पार्सल एलोकेट किया गया है, जहां पर दोस्तों 3000 करोड़ से अधिक तक का निवेश किया जाएगा। कानपुर के मुकाबले ये कम है, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कानपुर नोड और जो लखनऊ नोड है, इसमें जो साइज है इसका अंतर है। लखनऊ नोड का साइज कानपुर नोड से काफ़ी कम है, लेकिन जो कानपुर नोड है वो स्पेसिफिकली वो मैन्युफैक्चरिंग, खासकर जो डिफेंस आर्टिलरी है, इसके अलावा जो एमिनेशन है, इन सब के संबंध में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता। लेकिन जो लखनऊ नोड है ये एरोस्पेस को ज़्यादा प्रमोट करेगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत पहले ही जून 2022 के अंदर मिसाइल यूनिट सेटअप करने की बात की गई थी। यहाँ पर दोस्तों 80 हेक्टेयर का लैंड पार्सल, जब इसका लेआउट रेडी नहीं था, उससे पहले यूपीडा द्वारा एलोकेट कर दिया गया था ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2021 के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। यहाँ पर दोस्तों इस यूनिट में 100 ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर होंगी। दोस्तों यहाँ पर DRDO और रशियन NPOM ये जॉइंटली ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर करते हैं। ये भारत और रशिया की कोलैबोरेशन से मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पर भेल, एमिटेक इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी, रसरेरा लैब सेंकर, त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्री, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, लोहिया एरोस्पेस सिस्टम, ब्रह्मोस इसका DRDO, एनालॉय टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सब यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। ये अपनी यूनिट्स यहाँ पर स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक डिफेंस टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्टेब्लिश किया गया है, जो कि DRDO ने इस्टेब्लिश किया है। दोस्तों ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी सेंटर है ये अमोसी के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर ये डिफेंस नोड से दूर है, लेकिन ये यूनिट 22 एकर्स में फैली हुई है। और इसको इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव डीप टेक इनोवेशन प्रमोट करना है, जिसमें ये इनक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा डिफेंस सेक्टर से संबंधित फर्म को। इसके अलावा डिज़ाइन और सिमुलेशन सेंटर, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन सेंटर, सेंटर फॉर इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर डिफेंस के क्षेत्र में, ये सारी फैसिलिटीज़ ये जो सेंटर है ये प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों लखनऊ नोड के संबंध में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे इसके संबंध में मिल रही थी वो सब मैंने आपके सामने साझा की है। अगर आप इसका लेआउट देखेंगे तो काफ़ी सारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर निवेश आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी नोड हैं वहाँ पर लैंड की बहुत ज़्यादा मांग आ रही है। मैंने आपको कानपुर का उदाहरण दिया था कि कानपुर में 25 कंपनियां निवेश करने के लिए आकर्षित हुई थी, लेकिन सभी कंपनियों को लैंड मुहैया नहीं किया जा सकता था क्योंकि लैंड पर्सन कम था। तो इसीलिए दोस्तों सरकार ने ये फैसला किया है कि अब इन डिफेंस जो नोड हैं इनका जो लैंड पर्सन है इसको इंक्रीज किया जाएगा। वर्तमान लेआउट में ये नहीं दिख रहा, लेकिन जो इसका जो फ्यूचर एक्सपांसन होगा उसमें आपको ये ज़रूर दिखेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।